नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जॉन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ी दोस्तों लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है इसलिए लाइट थोड़ी कम है, तो थोड़ी आपको पिक्चर थोड़ी धुंधली दिखाई दे सकती है आज। खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से वीडियो को समाप्त करूँ, क्योंकि ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है आज। तो दोस्तों आपको बता दूँ सबसे पहले कि जवान फिल्म का जो कलेक्शन की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, फ्राइडे को 18.10 करोड़ आया हिंदी में, 18 करोड़ 10 लाख रुपये आया है। तो 9 डे का जो टोटल हिंदी कलेक्शन है वो 366.08 करोड़ हो जाता है, 366 करोड़ रुपये 9 दिन में। और दोस्तों जहाँ तक इसकी बात करें टोटल कलेक्शन की, तो डे 9 को 19.10 करोड़ आया सभी भाषाओं को मिलाकर, मतलब तमिल और तेलुगु में करीब 1 करोड़ का कलेक्शन कल आया है। तमिल और तेलुगु में फिल्म फ्लॉप साबित हो चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है वहाँ रिलीज करने की, तो वो भी कवर नहीं कर पा रही है। और करीब करीब दोस्तों अगर बात करें एक शो में करीब 11,000 कोई 13,000 के आसपास इसकी कॉस्ट आ रही है तमिल और तेलुगु में। तमिल और तेलुगु के में फिल्म फ्लॉप इसलिए हो गई कि तमिल में पट शो में कलेक्शन केवल 14,300 रुपये का आ रहा है, और तेलुगु में पट शो का कलेक्शन केवल 11,334 रुपये आ रहा है, तो वहां पर तो फिल्म फ्लॉप साबित हो चुकी है। तो शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका है, तमिल और तेलुगु के दर्शकों ने फिल्म को पसंद नहीं किया है। वहीं दोस्तों बात करें अपन डे 9 की टोटल की, तो 19.10 करोड़ का आया, जिसमें हिंदी का 18.1 करोड़ है, तमिल का 41 लाख रुपए का आया मात्र, तेलुगु का केवल 59 लाख रुपए का कलेक्शन आया है। और दोस्तों जहां तक बात करें वर्ल्ड वाइड बता देता हूँ आपको, 9 डेज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 725 करोड़ रुपीज, और दोस्तों 408.98 करोड़ हो गया है नेट कलेक्शन, 400 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है सभी भाषाओं को मिला करके, जिसका ग्रोथ होता है 491.90 करोड़। और दोस्तों ओवरसीज से फिल्म 233 करोड़ रुपए ओवरसीज से कमा चुकी है। तो इस प्रकार से अगर आज की बात करें तो आज फिल्म का कलेक्शन सैटरडे है बढ़ेगा आज, और कल तो करीब 12% का ड्रॉप हुआ था, लगातार गिर रही है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक बहुत ज्यादा गिरी है फिल्म, और आज फिल्म उठेगी वापिस, क्योंकि 9 करोड़ 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी आज, तो करीब करीब 30 से 31 करोड़ का कलेक्शन आज ये फिल्म करेगी। तो बहुत ज्यादा बड़ा कलेक्शन तो नहीं है ये भी, क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि फिर से 40-50 जाएगी, लेकिन नहीं जा रही है। तो 31 करोड़ अगर मैं जोड़ दूं कम से कम, तो 439.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन शुरुआती 10 दिनों का गदर इसका जवान का हो जाएगा। और वैसे तो इन्होंने गदर का रिकॉर्ड, मतलब ये शाहरुख खान के प्रशंसक तो बोल रहे हैं कि गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किस प्रकार से तोड़ा ये तो वो जाने, क्योंकि इनका 700 करोड़ हो गया ना, 725 करोड़ हो गया, तो गदर का तो अभी करीब करीब 670 करोड़ के आसपास था, शायद 675 करोड़ के आसपास था। तो ठीक है, जो भी है ये जो भी रिपोर्ट दे रही है, लेकिन दोस्तों सवाल फिर हमेशा की तरह मैं फिर ये उठाना चाहूंगा कि ये इन रिपोर्ट्स पर लगातार सवाल आ रहे हैं, कितना कलेक्शन कैसे आ गया जब थिएटर्स खाली है, जब थिएटर्स में भीड़ ही नहीं है, जब बुक माई शो पूरा ग्रीन दिखा रहा है, जब PVR INOX के शेयर लगातार गिर रहे हैं, और मुझे बड़े बड़े जो मेरे जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ थिएटर खाली है, हमारे यहाँ थिएटर खाली है। और मैंने भी काफ़ी जगह चेक किया, अगर बहुत हाउसफुल है इतना बड़ा कलेक्शन किया, तो फिर फिल्म का मतलब एक तरीके से जैसे गदर 2 के समय इतने सारे अपने को वीडियो देखने को मिलते थे थिएटर से, तो वैसे वीडियोज क्यों नहीं आ रहे कि यहाँ पे इतना जबरदस्त मतलब रिस्पॉन्स है। 1-2 दिन जरूर मुझे दिखा था पहले दिन, उसके बाद में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पॉलिटिकल पार्टीज में भी फिल्म को लेकर के 2 ग्रुप बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं, हर सभा में जवान जवान कर रहे हैं, पता नहीं इनको कितना फायदा होगा, फायदा तो कुछ नहीं होने वाला मुझे लगता है कि ऐसे एजेंडा पर जो मूवी बनाई जाती है वो ज़्यादा चलती है, कई लोग इस बात से भी समझ नहीं है कि एजेंडा मूवी है। खैर जो भी है कुल मिलाकर के देखते हैं कल और कलेक्शन करेगी अच्छा, आज 31 करोड़ आया तो कल 40 करोड़ के आसपास कलेक्शन आने की उम्मीद है फिल्म की। उसके बाद में सोमवार से फिल्म का क्या होगा ये आप जानते हैं, शो भी काफ़ी कम हो गए हैं, 1500 के आसपास शो थे दिल्ली NCR में, वो करीब अब 1100 के आसपास शो है वहाँ पे, जो मैंने देखा था 1300 के आसपास सॉरी, और मुंबई में करीब 1400 के आसपास शो थे वो करीब अब 1100 के आसपास है। तो देखते हैं क्या होता है, आपकी फिल्म जवान के बारे में क्या रिपोर्ट है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये कलेक्शन आपके गले उतर रहे हैं, क्या बिल्कुल सही कलेक्शन है, क्या कोई कॉरपोरेट बुकिंग नहीं है, जो भी आपकी राय बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो गदर 2 तो मतलब एक फेयर कलेक्शन और बहुत कम स्क्रीन पर फिल्म ने इतने कलेक्शन किया था, तो मैं उसको एकदम मतलब सही मानता हूँ, क्योंकि इतने कम स्क्रीन पर और इतने कम बजट का 60 करोड़ का बजट और 9 गुना कलेक्शन करना मायने रखता है, जबकि जवान का बजट 300 करोड़ है, अभी 2 गुना भी कर ले 600 करोड़ भी अगर नेट कलेक्शन करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो खैर कंपेरिजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आप सब समझदार है। फिलहाल इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।